मां राज राजेश्वरी केलादेवी झील का बाड़ा मेला घटना स्थापना के साथ प्रारंभ। भरतपुर जिले के सबसे बड़े मां केलादेवी झील के बाड़ा के मेले का शुभारंभ तहसीलदार अमित कुमार शर्मा ने गट स्थापना के साथ किया। आपको बता दें कि बयाना तहसील में लगने वाले 15 दिवसीय माता केलादेवी का मेला देवी स्थान विभाग द्वारा लगाया जाता है, जहां माता के लाखों भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। माता की धोख देकर बीड़ा पान नारियल का भोग लगाकर मन्नते मांगते हैं, जहां मेले में लगने वाली दुकानों से देवस्थान विभाग को लाखों रुपए किराया व करोड़ों रुपए का माता पर चढ़ाया जाता है। परंतु फिर भी आने वाले यात्रियों की ओर दुकानदारों को ना तो पानी की और ना ही बिजली की व्यवस्था की गई, जिससे कि आने वाले यात्री पानी पीने के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदार पानी लाने के लिए दूर दूर से व्यवस्था कर रहे हैं। अब की बार रवि कुंड का भी पानी नहीं भरा गया, जिससे यात्री जाकर स्नान करने के बाद माता के दर्शनों के लिए जाते थे। अब की बार कोरोना वायरस के चलते 2 साल बाद इस मेले का आयोजन किया गया, परंतु देवस्थान विभाग की लापरवाही के चलते मेले में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब की बार जेब पत्रे अपनी किस्मत को आजमाने मेले में आ पहुंचे। मेले के प्रारंभ में कई महिला यात्रियों की जंजीर और मंगलसूत्र महिलाओं की गर्दनों से गायब मिले। मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस महिला एवं पुरुष जेब पत्रों को पकड़कर झील चौकी में पूछताछ के लिए लाई। ब्यूरो रिपोर्ट। काफी समय